नमस्कार, अमृतचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिना खान। इन दिनों हर दिन दुनिया के किसी न किसी देश से भूकंप आने की खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों दिल्ली से भी लगातार भूकंप के हल्के झटके आने की सूचना आती रही है। पिछले दो दिन में ही मिजोरम, मैक्सिको के साथ ही अमेरिका के गुआम में भूकंप के झटके आए हैं। दिल्ली में आए जलजले के मुकाबले यहाँ का भूकंप ज्यादा तीव्रता का था, इसलिए नुकसान भी ज्यादा हुआ है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। लोग पहले ही कोरोना वायरस से परेशान थे, अब पिछले कुछ हफ्तों से किसी ना किसी देश से लगातार भूकंप के हल्के झटके आने की खबर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले डेढ़ महीने में 10 से ज्यादा बार भूकंप आ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन भूकंप आने को विशेषज्ञ नकारात्मक के साथ ही सकारात्मक तौर पर भी देख रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बार बार आ रहे भूकंप को किसी बड़े भूकंप की आहट मानना पूरी तरह सही नहीं है। दूसरी तरफ ये भी संभव है कि छोटी तीव्रता के ये भूकंप किसी बड़े भूकंप की संभावना को कम कर रहे हों, लेकिन ये सब महज कयास ही हैं। पिछले दिनों आइसलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, वहीं मंगलवार को मेक्सिको के 11 प्रांतों में तेज भूकंप आया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 लोग घायल हुए हैं, साथ ही 5 अस्पतालों को भी नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड में भी पिछले हफ्ते तेज भूकंप आ चुका है। अहम सवाल ये है कि आखिर भूकंप क्यों आ रहे हैं? बार बार जिन इलाकों में भूकंप का खतरा ज्यादा होता है, वहाँ सैकड़ों सालों में धरती की निचली सतहों में तनाव बढ़ने लगता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेटें अपनी जगह से हिलने लगती हैं, ताकि इस तनाव का असर धीरे धीरे होता है। इससे पहले तो काफी दिनों तक धरती शांत रहती है, फिर कुछ वक्त के लिए परतें हिलने लगती हैं, और यही प्रक्रिया बार बार होती है। एक दिलचस्प बात ये है कि नेपाल में धरती की परतों की गतिविधि सबसे ज्यादा होती है। यहाँ हर साल इंडियन प्लेट करीब 4 सेंटीमीटर तक यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक जाती है। किसी भी महाद्वीप की प्लेट के लिए ये बहुत ही तेज गति है। हिमालय की ऊंचाई भी इसी वजह से बढ़ रही है।